बाणगर तहसील के ग्राम जहांगीरपुर में शीतल दास महाराज निवास करते थे, जहां पर उनके पास तकरीबन 70 बीघा से अधिक जमीन और जहांगीरपुर में मेन रोड पर बनी दुकानें थी। शीतल दास महाराज का कुछ समय पहले निधन हो गया, जिसके बाद महंत की गद्दी खाली थी, जहां पर सरपंच ग्रामीण और साधु संत की सहमति से शीतल दास महाराज के बड़े चेले हरिदास बैरागी को महंत की उपाधि दी गई थी और उनका स्वागत सम्मान किया गया था। जिसके बाद महंत हरिदास ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि मेरा छोटा गुरु भाई कृष्ण करण दास आया और मुझे हाथ पकड़कर गद्दी पर से उठा दिया और कहा कि यहाँ से चले जा, नहीं तो जान से मार दूंगा। जिसके बाद मैं ग्रामीणों और साधुओं के साथ इंगोरिया थाने पहुंचा हूँ और लिखित में शिकायत की है। साथ ही हरिदास बैरागी का यह भी कहना था कि यह सब जमीन के लिए किया जा रहा है, मुझे जमीन नहीं चाहिए, यह शासन सुपुर्दगी जाएगी ताकि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके, नियमानुसार मुझे महंत बनाया गया है। कल मेरी मानताई हुई थी और मेरे गुरु भाई ने, छोटे वाले गुरु भाई ने मुझे हाथ पकड़ के खींच के गद्दी से उतार दिया और बोला इसका अधिकारी तुम नहीं हो, और वो गद्दी पे बैठ गया। 5-10 महात्मा और 2-4 उसके साथियों ने उनको गद्दी दे दी और मुझे गाली गुस्सा देने लगा, धमकी देने लगा, मुंडी काट दूंगा, गला काट दूंगा, देख लूँगा। इस वजह से मैं डर के मारे वहाँ से निकल गया। सब सर्वसम्मति से निर्णय हुआ कि बड़े गुरुजी बंबई वाले का स्वागत की जाए और गांव के वरिष्ठ सभी नागरिकों का भी यही मत था, तो उनको नियुक्त किया गया और उनको ईओडब्ल्यू की टीम ने 31 मई को दलौदा जिला मंदसौर के पूर्व पंचायत सचिव दिनेश चंद्र शर्मा के भोपाल, इंदौर और मंदसौर के 5 ठिकानों पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापे डाले हैं, जिसमें करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। आरोपी दिनेश शर्मा के खिलाफ पूर्व में भी 9 अपराध कायम हो चुके हैं तथा उन्हें जिला बदर भी किया जा चुका है। 2020 दिसंबर में उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। एसपी ईओडब्ल्यू दिलीप सोनी ने बताया कि ईओडब्ल्यू के छापे में अभी तक 3 मंजिला मकान दलौदा जिला मंदसौर में, 2 फ्लैट लोटस टाउनशिप अरविंदो हॉस्पिटल के सामने इंदौर में मकान हर्षवर्धन नगर भोपाल, एक फार्म हाउस दलौदा के पास 7 बीघा में लगभग 2 हेक्टेयर कृषि भूमि के पेपर भी मिले हैं। इसके आगे अभी जांच जारी है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को नागझिरी स्थित वार्ड क्रमांक 54 पार्श्वनाथ सिटी में 5.5 लाख रुपए की लागत से 100 केवीए ट्रांसफार्मर का शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने इसके अलावा विधायक निधि से एक अतिरिक्त 100 केवीए ट्रांसफार्मर की स्थापना कॉलोनी में करने की घोषणा की। मंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान कहा कि पार्श्वनाथ सिटी के रहवासियों को काफ़ी समय से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। अमृत फेज 2 परियोजना में पार्श्वनाथ सिटी सहित अन्य कॉलोनियों में पेयजल व सीवर लाइन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पार्श्वनाथ सिटी के कॉलोनाइजर को उज्जैन बुलाकर समस्या का समाधान बातचीत से करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में यहाँ बिजली का स्थायी निदान हो सके। शहर की कॉलोनी में सभी मूलभूत सुविधाओं का होना बेहद ज़रूरी है। उज्जैन शहर के लिए परिवर्तन का दौर आ गया है। अगले 1.5 महीने के अंदर नागझिरी स्थित सोयाबीन प्लांट में कॉटन इंडस्ट्री प्रारंभ होगी, जिससे महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार प्राप्त होगा। लेकिन शासन के नियम कानूनों के बीच में से उनने अपनी कई परेशानियाँ छोड़ दी थी, जिसमें एक बड़ी परेशानी बिजली की थी, और बिजली की परेशानी के कारण से आज क्षेत्र के सारे लोग परेशान थे। जो मकान ले लिए कॉलोनीजर बार बार बीच में जो उसको अपने जो बड़े काम करना चाहिए थे, खास करके ट्रांसफार्मर बड़े डालना चाहिए, एक तरह से ग्रिड बनाना चाहिए थे, वो काम नहीं करे। इसके कारण से कॉलोनी में रात दिन बिजली की भारी दिक्कत थी। ऐसे में मेरे पास ये विषय ध्यान में आया तो कॉलोनीजर पर पुलिस की कार्रवाई कर रही है,
और बदले में हमारे अपने निधि से मैंने 5.5 लाख की लागत से यहाँ का ट्रांसफार्मर देने का प्रयास किया, ताकि जो रहवासी है, अब रहवासियों की कोई गलती तो नहीं है, ये मूल कारण जो वो काम करना चाहिए था, लेकिन वो अधेरों में छोड़ के अगर भाग गया तो कानूनी कार्रवाई उस पर करते रहेंगे, लेकिन यहाँ जो सुविधा देना चाहिए वो देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। शिप्रा नदी के राम घाट पर मंगलवार सुबह एक श्रद्धालु दीपक श्रीवास्तव की डूबने से मौत हो गई। श्रद्धालु अपने परिजनों के साथ उज्जैन धार्मिक यात्रा पर आया हुआ था। शिप्रा नदी के राम घाट पर स्नान के लिए सभी लोग पहुंचे। दीपक श्रीवास्तव नहाने के दौरान गहरे पानी में चला गया, जिसकी वजह से वह डूब गया। यहां पर गोताखोरों ने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। जिला चिकित्सालय में शव को लाया गया, जहां इसका पोस्टमार्टम कराया गया है। मृतक भोपाल से अपने परिजनों के साथ उज्जैन आया हुआ था। मामले में महाकाल थाना पुलिस ने मर्ग कायम किया है तथा जांच शुरू की गई है। उनके पेरेंट्स यहाँ दर्शन करने के लिए आए थे। रामघाट पर वो स्नान करने के लिए उतरे थे, उनका पैर फिसल गया दीपक जी का, और वहाँ पर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके पीएम के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रति मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई बृहस्पति भवन में आयोजित की गई, जिसमें कई लोग अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों से रूबरू हुए। उन्हेल के पास ग्राम पासलोड के 150 से 200 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्र घोषित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के पंचायत सचिवों की निरंतर शिकायत जनसुनवाई में आ रही है। अब इसमें देखना यह है कि अधिकारी इस समस्या से आम आदमी को कैसे न्याय दिलाते हैं। प्रधानमंत्री योजना नहीं मिली रही, झोपड़ी नहीं बनी रही। कितने साल से आप आवेदन कर रहे हो, कितने समय से आवेदन कर रहे हो? हमारे 3 चक्कर आवेदन लगाई थी तो पंचायत में। क्या कारण बताते हैं? कहीं नहीं आएगा तुम्हारा आगे से नाम, जाते हैं तो बोलते हैं कि आएगा तुम्हारा आगे से नाम, तो नाम ही नहीं आया, और जाए ने की दो तो के तुम्हारा नाम ही नहीं है सूची में। प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे कोई झोपड़ी नहीं बनी। अच्छा, इसके लिए हम यहाँ कलेक्टर आवास में हम आए हैं। कितने लोग हैं गांव में जिनकी सूची नहीं है? 267 लोगों की सूची में नाम नहीं है सर। अच्छा। और बाकी के लोगों के मकान बन चुके हैं, उनको डबल डबल सरपंच सूची यही कहते हैं कि बस तुम्हारा नाम ही नहीं है, तुम्हारा सूची में नाम ही नहीं है। कारण बताते हैं नाम? अब ये नाम क्या है साहब, क्या कारण? हम गरीब आदमी क्या जानते हैं।